हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है राष्ट्रीय युवा दिवस पर निबंध। तो हम इस निबंध को हेडिंग्स के साथ लिखेंगे। हमारा सबसे पहला हेडिंग होगा प्रस्तावना, उसके बाद राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है, उसके बाद राष्ट्रीय युवा दिवस का उद्देश्य, राष्ट्रीय युवा दिवस कैसे मनाया जाता है और निष्कर्ष। तो हम अपने निबंध की शुरुआत एक स्लोगन के साथ करेंगे। हमारा स्लोगन है, स्वामी विवेकानंद जी के विचारों का बोध कराता राष्ट्रीय युवा दिवस युवाओं को सही राह दिखलाता। प्रस्तावना। किसी भी देश के विकास में युवाओं का बहुत महत्व होता है, अतः प्रत्येक वर्ष भारत में युवाओं के मार्गदर्शन के लिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसे आधुनिक भारत के निर्माता स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। भारत सरकार ने 1984 में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी की तिथि को घोषित किया और 1985 से हर साल 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है? भारतीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का फैसला स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन और उनके आदर्श की ओर देश के सभी युवाओं को प्रेरित करने के लिए किया गया था। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों और जीवन शैली के द्वारा युवाओं को प्रोत्साहित करने के द्वारा देश के भविष्य को बेहतर बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को मनाने का फैसला किया गया था। राष्ट्रीय युवा दिवस का उद्देश्य। राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य भारत के महानतम समाज सुधारक, विचारक और दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों और विचारों द्वारा देश भर के भारतीय युवाओं को प्रोत्साहित किया जाना है और ताकि वो इन्हें अपने जीवन में शामिल कर सकें। राष्ट्रीय युवा दिवस कैसे मनाया जाता है? युवाओं को जागृत कर देश हित के लिए कार्य करने की प्रेरणा देने के लिए ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। युवाओं के इसी जोश को बरकरार रखने के लिए स्कूलों, कॉलेज एवं शिक्षण संस्थानों में इस मौके पर वाद विवाद, भाषण, संगीत प्रतियोगिता, योगासन तथा खेलकूद जैसी एक्टिविटी कराई जाती हैं। साथ ही अध्यापकों द्वारा छात्रों को स्वामी विवेकानंद के आदर्शों, उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को बतलाया जाता है ताकि विवेकानंद के जीवन का अनुसरण कर वे अपना एवं समस्त राष्ट्र का नाम ऊंचा करें। निष्कर्ष। स्वामी जी युवाओं के लिए हमेशा कहा करते थे कि उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। वे चाहते थे कि युवा आत्मविश्वास से भरे हों, जीवन की बाधाओं से लड़ने के लिए। आज युवाओं को स्वामी विवेकानंद के विचारों को आत्मसात करने की आवश्यकता है ताकि देश के युवा उन्नत एवं जागृत बने और देश की उन्नति में अहम भूमिका निभाएं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप राष्ट्रीय युवा दिवस पर निबंध लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।